नमस्कार दोस्तों, दवा जानकारी चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पोविडोन आयोडीन गार्गिल के बारे में, जो कि दोस्तों मेनली ओरल कैविटी की जो समस्या होता है, जो मुंह से संबंधित जो बीमारी होते हैं उसको ठीक करने के लिए दोस्तों इसको यूज़ किया जाता है। वीडियो में जानेंगे दोस्तों ये और इनके अलावा और कौन से कंडीशन में इस गार्गिल को आप यूज़ कर सकते हो, इसका यूज़ करने का सही तरीका क्या क्या होता है, इनके अलावा दोस्तों इसका साइड इफेक्ट क्या क्या सावधानी रखना होता है, साथ में दोस्तों इसका पैकिंग प्राइस और ब्रांड नेम से जुड़ी इन सभी प्रकार जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, जिसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और उससे पहले जरूर दोस्तों आप दवा जानकारी को सब्सक्राइब करें आने वाला इसी तरह कई और महत्वपूर्ण वीडियो को देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं आज के वीडियो को। तो दोस्तों मेरे हाथ में ये जो बॉटल है ये दोस्तों इंटरलैब का बना हुआ प्रोडक्ट है, इसका ब्रांड नेम है कोलिंट्रा माउथवाश। इनके अलावा दोस्तों मेडिकल शॉप में आपको दूसरे कंपनी के ब्रांड जैसे बीटाडाइन गार्गिल, साथ में बीटाकाइन गार्गिल एंड सिप्लाडाइन गार्गिल, लुपिडाइन गार्गिल के नाम पे भी उपलब्ध हो सकता है। यदि बात किया जाए तो दोस्तों इसका प्राइस के बारे में, तो दोस्तों मेरे हाथ में जो बॉटल है इसका प्राइस है 85 रुपीज़, 100 ml इसका पैकिंग है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो कॉम्पोजिशन का इस्तेमाल है पोविडोन आयोडीन IP 2% वेट बाई वॉल्यूम दोस्तों इसमें इस्तेमाल है। और ये जो पोविडोन आयोडीन है दोस्तों गार्गिल, एक एंटी माइक्रोबियल तथा एक एंटीसेप्टिक ग्रुप की दवा है, जो कि दोस्तों ओरल कैविटी मतलब मुंह में यदि आपको इन्फेक्शन की समस्या है, गले में इन्फेक्शन की समस्या है, उस कंडीशन में इसको यूज़ किया जाता है। साथ में यदि आपको मसूड़ों में किसी प्रकार इन्फेक्शन हुआ है, उसमें चोट आया है, मसूड़ों में सूजन हो रहा है, माउथ अल्सर की दिक्कत है, उस कंडीशन में दोस्तों डॉक्टर इस दवा को प्रिस्क्राइब करता है। इनके अलावा दोस्तों यदि आपको ड्राई माउथ की समस्या है, उस कंडीशन में इसको लेने को सलाह देता है। साथ में दोस्तों यदि आपको गले में खारापन जैसे लग रहे हो, मतलब सोर थ्रोट की समस्या है, तो उस कंडीशन में भी डॉक्टर दोस्तों इस गार्गिल को लेने को सलाह देता है। साथ में दोस्तों यदि आपको मुंह में किसी प्रकार भी घाव होने के हो चुका है, उस कंडीशन में भी डॉक्टर इस दवा को लेने को सलाह देता है। गले में छाले पड़ने की समस्या है, यदि आपको फ्रेंजाइटिस की समस्या है, जो गले के संबंधित बीमारी होता है दोस्तों, उस कंडीशन में भी दोस्तों डॉक्टर इस दवा को लेने को सलाह देता है। इनके अलावा दोस्तों यदि आपको मुँह में किसी प्रकार इन्फेक्शन होने की वजह से उसमें बदबू आ रहा है मुँह से, तो उस कंडीशन में भी दोस्तों डॉक्टर इस दवा को लेने को सलाह देता है दोस्तों। एक ही बात में यदि समाप्त किया जाए तो दोस्तों यदि आपको मुंह में माइक्रोवेव के कारण या अन्य किसी प्रकार चोट लगने के कारण यदि आपको मुंह में इन्फेक्शन की समस्या हो चुका है, तो उसको ठीक करने के लिए दोस्तों ये जो गार्गिल है डॉक्टर लेने को सलाह देता है। बहुत ही बढ़िया एक गार्गिल है दोस्तों, इसका रिजल्ट भी बहुत ही शानदार आता है। दोस्तों वीडियो के अगले पार्ट में हम लोग चर्चा करेंगे ये जो गार्गिल है हाउ टू यूज़, मतलब कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। दोस्तों जो गार्गिल है या तो आपको कुल्ला करना होता है या तो आपको गरारा करना होता है। जितने अमाउंट आप दोस्तों गार्गिल लेते हो उसको सेम क्वांटिटी में आपको पानी लेना होता है। यदि बात किया जाए तो एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों डॉक्टर एडल में 5 ml गार्गिल के साथ 5 ml पानी को मिक्स करके उसको गरारा या कुल्ला करने को सलाह देता है, डिपेंड करता है जो कंडीशन होता है मरीज का, और 30 सेकंड तक दोस्तों इसको करने को सलाह देता है। दिन में दोस्तों ये जो गार्गिल है आप 2 से 3 बार तक कर सकते हो दोस्तों, और कुल्ला या गरारा करने के बाद दोस्तों जो गार्गिल है उसको थूक दे और 5 से 10 मिनट तक जो मुंह में थू आता है उसको पेट के अंदर ना ले और किसी प्रकार का पानी को ना पिए दोस्तों। और छोटे बच्चों के लिए दोस्तों ये नहीं है, मतलब 6 साल का कम उम्र वाले बच्चों में इसको यूज़ ना करें दोस्तों। अब दोस्तों जानेंगे ये जो गार्गिल होता है पोविडोन आयोडीन इसका साइड इफेक्ट के बारे में। तो दोस्तों यदि आपको सूट नहीं हो तो कुछ कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है इस गार्गिल के वजह से, जैसे आपको मुँह में इचिंग जैसे हो सकता है। इनके अलावा दोस्तों आपको चुभन महसूस होना मुंह में, साथ में सूजन आ सकता है, रेडनेस, बर्निंग होना, कुल्ला जब आप कुल्ला कर रहे तो उस टाइम आपको गर्म जैसे महसूस लग सकता है। तो दोस्तों ये और इनके अलावा यदि अन्य कोई साइड इफेक्ट महसूस होता है तो तुरंत ही ये जो गार्गिल है इसको इस्तेमाल करने को बंद करके अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जैसे कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट मिले। तो यही था दोस्तों पोविडोन आयोडीन गार्गिल के बारे में सब कुछ। आशा करते हो कि दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, तो वीडियो जोर से लाइक करें और चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।